देश में लॉकडाउन होने के बाद भी मारपीट की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सामने आई हैं मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड से, जहां शुक्रवार को मछली पकड़ने के विवाद में दो पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ के लोगों ने पहले लाठी डंडों से एक दूसरे पर जमकर हमला किया और इसके बाद पथराव और गोलीबारी हुई। इस घटना में दोनों तरफ से 10 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, जिसमें एक महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उस महिला को SKMCH में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि उफरौली लोधी नाम के इस गांव में हुई घटना में एक 3 महीने का बच्चा भी जख्मी हुआ है। बच्चे को गोद में लेकर महिला अपने घर में बैठी थी, तभी गोली दीवार पार करते हुए आई और बच्चे को जख्मी कर दिया। दोनों तरफ से 6 राउंड की फायरिंग हुई और भाला भी चलाया गया। गोलीबारी की सूचना पर ASP अमितेश कुमार पहुंचे। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ घायलों का इलाज स्थानीय PMCH में कराया जा रहा है, वहीं कुछ को SKMCH में भेजा गया है। दरअसल एक पक्ष ने अपना तालाब मछली पालने के लिए पट्टा पर झमेली सहनी को दिया। झमेली ने दूसरे व्यक्ति को पट्टा दे दिया। बुधवार को दूसरा व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए तालाब से पानी निकाल रहा था, तो तालाब के मालिक की ओर से इसका विरोध किया गया। इस पर दोनों तरफ से विवाद हुआ। पुलिस आई और मामला शांत कराकर चली गई, लेकिन फिर तालाब में मछली पकड़ने की कोशिश की गई, जिससे विवाद और भड़क गया। न्यूज़ डेस्क।